लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्मिता। दार्जिलिंग पहाड़ियों के एक जंगल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग के समर्थकों और पुलिस के बीच शुक्रवार को हुई झड़प में एक उप निरीक्षक सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये झड़प सुबह 5 बजे उस समय शुरू हुई जब पुलिस के एक खोजी दल ने पतलेबाज क्षेत्र के निकट जंगल के भीतर एक ठिकाने पर छापा मारा। ये क्षेत्र गुरुंग समर्थकों का गढ़ है। गुरुंग के इस इलाके में छिपे होने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान डीजेएम नेता के समर्थकों ने गोलियां चलाई और पत्थर फेंके। वेस्ट बंगाल स्विंग मशीन ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को देश भर में जीएसटी के विरोध में बंद रखा गया। इनकी मांग है कि सिलाई का काम करने वाले छोटे व्यवसायियों पर जीएसटी लागू ना हो। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम जिस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उस व्यवसाय से समाज के सबसे निम्न स्तर के जो व्यक्ति हैं, जनता है, वो जुड़ी हुई है सिलाई मशीन का। सिलाई मशीन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपके समाज के दलित पीड़ित एकदम निम्न वर्ग जो घर में काम करके हाथ से मशीन चला चला करके अपना रोजगार अर्जन करते हैं और उसके ऊपर में आप हमारे वैट के अंडर में इसमें सबसे निम्न स्तर का जो टैक्स स्लैब था वो था 5%, लेकिन अभी जीएसटी चालू होने के बाद में इन लोगों ने 12% कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा है। भारतीय टीम आज हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का आखिरी मैच खेलने उतरेगी। अभी सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। टीम इंडिया का टारगेट सीरीज जीत पर होगा। भारत अगर ये सीरीज जीतता है तो इस साल की 10वीं सीरीज जीत होगी। 2007 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि टीम इंडिया एक साल में 10 सीरीज जीतेगी। इससे पहले 2007 में टीम इंडिया ने 22 सीरीज अपने नाम की थी। बीती रात हावड़ा के शामपुर में लक्की बाजार मोड़ पर गैर सरकारी बस के साथ टोटो की भिड़ंत हो गई। घटनास्थल पर ही एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हावड़ा में एक सड़क दुर्घटना के दौरान हुई एक महिला के मौके पर ही मौत होने से इलाके में हलचल की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये घटना हावड़ा के श्यामपुर के लक्की बाजार मोड़ पर घटी। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात को एक गैर सरकारी और एक टोटो की आपस में टक्कर हो गई थी, जिससे इस घटना में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, वही एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को उलबेरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तक मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नर्मदा मामले को लेकर शुक्रवार को मेयर शोभन चैटर्जी के दफ्तर सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है कि नर्मदा मामले को लेकर पैसे क्यों लिए। आइए देख लेते हैं बंगाल की अन्य बड़ी खबर। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज एक बार फिर से चोरी के कारण चर्चा का विषय बन गया है। इस बार यह चोरी शहर के रायगंज नगर निगम इलाके के विश्वविद्यालय के सामने स्थित एक घर पर हुई। जानकारी के अनुसार कॉलेज पाड़ा इलाके में रहने वाली ज्योति देव गुरुवार को डॉक्टर से मिलने दोपहर को घर से निकली थी। एक घंटे के अंदर ही जब वह वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि कुछ बदमाशों ने उनके घर का ताला तोड़कर अलमारी से गहने सहित कुछ रुपए चुरा कर भाग गया। तुरंत इस घटना की सूचना रायगंज थाने को दी गई। पुलिस घटना की तफ्तीश में जुट गई है। জাস্ট 1 ঘন্টা আগে ডাক্তার দেখানোর জন্য বাইরে বেরিয়েছিলাম, তো 1 ঘন্টা পর আমার কাছে ফোন যাচ্ছে যে আমার বাড়ি থেকে সব চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। আমার পেছনের বাড়ির লোক ফোন করেছিল, সেখান থেকে আমার যা ফোন করেছিল পাশের বাড়ি এসে দেখলাম সব ভাঙা লকার থেকে সোনা টাকা নিয়ে চলে গেছে। আমি কদিন আগে কিছু সোনা 3 ভরির মতো সোনার 5,000 টাকা রেখেছিলাম। आसनसोल नगर निगम साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए करीब 100 हाइड्रोलिक वाहनों को खरीदेगी। पार्षद बबीता दास ने बताया कि प्रत्येक वाहन की कीमत करीब 10.5 लाख रुपए है। फिलहाल एक वाहन प्रदर्शन के लिए लाई गई है। अगर ये वाहन सही कार्य करेगी तो ऐसे और भी वाहन खरीदे जाएंगे। इन वाहनों के आने से कूड़ा घर से कूड़ा उठाकर सीधे हाइड्रोलिक वाहनों के माध्यम से कचरा ले जाया जाएगा। इससे कम ही मजदूरों से कार्य चल जाएगा। মালগুলো সেই মালগুলো মানে এতদিন কি ছিল, গাড়িগুলো হাইড্রোলিক ছিল না, কম হাইড্রোলিক হাইড্রোলিক গাড়ি একদম অভাব ছিল, সেই জন্য আমাদের স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রত্যেক গরুর জন্য হাইড্রোলিক গাড়ি আনা হচ্ছে, যাতে আমাদের লেবারটা কম, যেহেতু লেবার সংখ্যক কম, আরও বেশি করে পরিষেবা দিতে পারি যাতে মানুষের, যেন হাইড্রোলিক এই গাড়িগুলো নিয়ে আসা হচ্ছে। हुगली में सरेआम कोन नगर हीरालाल पाल कॉलेज के सामने डानकुनी के रहने वाले एक व्यक्ति को गोली चलाकर हत्या करने की घटना से इलाके में आतंक फैल गया। मृत व्यक्ति का नाम श्यामल दास बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर को श्यामल अपने काम से वापस घर लौट रहे थे। उसी समय कोन्नगर कॉलेज के सामने आते ही बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और सामने से गोली चलाकर भाग गया। तो हमारे कॉलेज अखन पूजो छुट्टी चलते तो आज के स्पेशल भाव खोला छो कलेजा कि अफिसियल वार्क छो से अफिसियल वार्कर जो आज के कलेजा खोला छो तीन दिन टाइम जो कलकाय बेची को एक सांबादिका फोन कर लें जरम घटना कि जानें ना ना जानी ना तो तरपे हमें संगे संगे दौड़े एलम कलेजे प्रिन्सिपालों फोन कर प्रिन्सिपाल जदि आसें छुट्टी आसें तो एसे तो देखल जो सुनल जो एक ऐले के तीनटे गुली चालिए मारा गए उत्तरपाड़ा थाना तर बडीटा नहीं चले ग। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत उत्तरपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की तहकीकात में जुटी हुई है। एक्चुअली बेपार होच्छे जे कॉलेजेर सामने खून हलो एटा तो कॉलेज संक्रांत कोनो बेपार ना आर कॉलेजेर संगे एर कोनो जड़ित बा किछु बेपार नेई। आसनसोल साउथ थाने की हट्टन रोड स्थित मस्जिद के निकट एक दुकान के सामने खड़ी बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। साउथ थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पीड़ित दुकानदार मोहम्मद शकील अंसारी ने बताया है कि आंखों के सामने ही एक युवक उनकी बाइक लेकर भाग गया। वह चोर चोर चिल्लाते रहे लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरा गाड़ी देखिए, मेरा यहाँ से चोरी करके लेके जा रहा था, वही हम चिल्ला रहे पीछे पीछे वो एकदम लेके भाग रहा तो भाग रहा है। ये हमारे मस्जिद के सामने गाड़ी लगा रहता है, ICICI बैंक है, पूरा बिजनेस पर्पस इलाका है, मेरा मस्जिद का इलाका है, दुकानदार का सामने से गाड़ी चोर चोरी करके लेके चला गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।